भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि विषम परिस्थिति का सामना करने के लिए रणनीति जरूरी है। बिना रणनीति के युद्ध में जीत नहीं मिलती है। अत किसी भी कार्य को करने के लिए रणनीति जरूर तैयार करें। अगर जीवन में विषम परिस्थिति पैदा होती है तो रणनीति बनाकर सामना करें, सफलता अवश्य प्राप्त होगी। भगवान कहते हैं कि व्यक्ति व्यर्थ ही भविष्य की चिंता करता है। भविष्य तो व्यक्ति द्वारा वर्तमान समय में किए गए कर्मों के आधार पर तय होता है। अतः वर्तमान में अच्छा कर्म करें। अगर आप वर्तमान में बेहतर करते हैं तो भविष्य अवश्य स्वर्णिम रहेगा। एक व्यक्ति अपने जीवन में तभी सफल हो पाता है जब वह दूरदर्शी होता है। अतः व्यक्ति की सोच दूरदर्शी होनी चाहिए। ऐसे लोगों अपने जीवन में एक दिन जरूर सफल होते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कार्य के प्रति समर्पण अनिवार्य है। व्यक्ति तभी अपने जीवन में सफल होता है जब वह समर्पित भाव से अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रहता है। अतः व्यक्ति को जीवन में हमेशा कर्मशील रहना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण अपने शिष्य अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, युद्ध में जय और पराजय की चिंता के बिना युद्ध करो, यही तुम्हारा धर्म और कर्म है। व्यक्ति को जीवन में हार और जीत की परवाह किए बिना आगे बढ़ते रहना चाहिए। अगर हार मिल भी जाए तो घबराना नहीं चाहिए, बल्कि पुनः जीत के लिए प्रयास करना चाहिए। तब जाकर विजय अवश्य प्राप्त होती है।